अस्सलामुअलैकुम जी, आपने मुझसे फोन पर कहा था कि आपकी प्रॉब्लम है, मैंने कहा था तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम थी ना, जी, सॉल्व हो गई, क्या बताइए? नहीं हो गई ना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। बताइए मुझे प्रॉब्लम, ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। सरसों का तेल है ना, जी सरसों का तेल, फुल बॉडी मसाज करवाया मैंने विद अंडा के, जरा डोले निकले, थोड़े डोले निकले, फुल बॉडी मैंने मसाज करवाया सरसों के तेल का। अब फर्ज करो ये मसाज तुम करवा रहे हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके फौरन बाद तुम्हारा क्या दिल चाहेगा? नहाने ना जाऊंगा। नहीं जाऊँ, सही बात करी बिल्कुल। अब क्या मैंने भी फुल बॉडी मसाज करवाया सरसों के तेल का विद अंडा, अब बैठ गया मैं नहाने के लिए नल के नीचे। जैसे ही नल खोला, विस्मय से आ रही थी हवा, मैंने तुरंत फोन किया इलाके के नाजिम को, मैंने कहा फुल बॉडी पे मेरे तेल लगा हुआ है, अंडा और जर्दी लगी हुई है, नहाने के लिए बैठा हूं मैं, पानी नहीं है, मैं क्या करूं? इलाके के नाजिम ने जवाब दिया, तो मैं क्या करूं, मैं खुद मिनरल वाटर से नहा रहा हूं। 360 रुपए की पूरी एक क्रेट आती है, उसमें सर धड़ की बाजी मुकम्मल हो जाती है। लो भाई, अब जितने पैसे मेरे कने थे मैंने वो पैसे लिए, और जितना पानी मिनरल वाटर का आ सकता था उससे मैं नहाया। बस घुटने बच गए धुलने से, कहो तो दिखा दूँ, नहीं 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 देखो मेरे प्लीज मेरे प्लीज घुटने। प्लीज, कराची पर रहते हैं आप? नहीं, पेरिस में, कहाँ? पेरिस में शांज़ेलीज़े पे। अबे तुझे इस शक्ल का आदमी कराची के अलावा कहीं और मिल सकता है? इस टाइप के आदमी सिर्फ इसी जगह इसी शहर में नजर आते हैं, समझ में आई बात?